निशांत ने किया गावा और दिव्या ने किया अक्षरा की वैक्सिंग। गावा का रिएक्शन देख छूटी लड़कियों की हंसी। बिग बॉस ओटीटी के घर आधी रात को चल रहा है वैक्सिंग कराने का काम। लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी किए जा रहे हैं वैक्सिंग। जी हाँ, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसा ही कुछ हाल है बिग बॉस ओटीटी के घर में रह रहे कंटेस्टेंट की। आधी रात को घर में कुछ काम ना होने के कारण घरवाले एक दूसरे का वैक्सीन कराते नजर आएंगे और इसमें लड़के भी शामिल होंगे, पर उनका हाल देखने लायक होगा। दरअसल पहले तो लड़कियां एक दूसरे का वैक्सीन करती नजर आएंगी, जिस दौरान नेहा मूस की और दिव्या अक्षरा की वैक्सीन करेंगी। हालांकि लड़कों के मजाक करने पर अचानक से लड़कियों के दिमाग में आएगा लड़कों के वैक्सीन कराने का आइडिया। अब सभी लड़कियां मस्ती मस्ती में एक एक करके लड़कों के पैरों में चिपकाएंगे वैक्स और जोर से करेंगे स्क्रब, जिससे निकल आएगी लड़कों की चीखें और उनके मोटे पैरों के बाल भी। हालांकि चीखें निकलने के बावजूद निशांत, प्रतीक, राकेश और मिलिंद अपने पैरों में वैक्स कराना नहीं छोड़ेंगे। तो वही निशांत करेंगे मिलिंद का वैक्सिंग, जिस दौरान मिलिंद निकालेंगे ऐसी ऐसी आवाजें जिससे सुनकर लड़कियां हंस हंस कर पागल हो जाएंगी। साथ ही प्रतीक बताएंगे कि लड़कों के बाल भेजा जाए DNA करने के लिए। वेल, इस तरह के टास्क के बिना ही घर वालों को एक दूसरे का वैक्सीन कराते शायद ही बिग बॉस के किसी सीजन में देखा गया हो, जिस तरह बिग बॉस OTT के घर में देखा गया। घर वालों के इस कांड पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।